इतना विश्वास है तुम्हें कि तुम्हारी कंपार्टमेंट लग जाएगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद हर एक चीज लगाएंगे, लेकिन वो चीज हम लेके रहेंगे। टाइम वेस्ट कर रहे, स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, किस बात की? ये मेरा बोर्ड एग्जाम बहुत खराब गया, मेरी कंपार्टमेंट लग जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। भैया कंपार्टमेंट एग्जाम कैसा होता है प्लीज बता दो, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कंपार्टमेंट तो लग के ही रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया क्लास ट्वेल्थ के जो, भैया मेरा केमिस्ट्री का पेपर बहुत बेकार गया, केमिस्ट्री में मेरी कंपार्टमेंट लग जाएगी, भैया कंपार्टमेंट एग्जाम कैसा होता है बता दो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं टेंथ वाले, भैया साइंस का एग्जाम मेरा बहुत बेकार गया, मुश्किल है मुझे पास होना। भाई इतना विश्वास है तुम्हें कि तुम्हारी कंपार्टमेंट लग जाएगी, तुम्हें इतना विश्वास तुम्हारी कंपार्टमेंट लगेगी, तुम्हें इतना विश्वास कैसा है कि तुम फेल हो जाओगे? बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं है तुम्हें। और बड़ी चीज़ ये है कि अभी भी स्ट्रेस लिया जा रहा है, वो एग्ज़ाम जो हो चुका है अभी भी टेंशन ली जा रही है उस एग्ज़ाम की जो हो चुका है यार, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है उस चीज़ पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है कि नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है वो ख़राब ना जाए, उसके लिए आज पढ़ाई कर लें। लेकिन नहीं, नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है ना उसकी बाद में टेंशन लेंगे जब एग्जाम हो चुका होगा, ये गलत चीज़ है। जो आगे आने वाला है जिस चीज़ पे तुम्हारा कंट्रोल है वो चीज़ करो। एक चीज़ बोल रहा हूँ हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिन पे हमारा कंट्रोल होता है और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारा क्या रिजल्ट आएगा इस चीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बट हम पढ़ाई कर सकते हैं इस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है। तो भैया जिस चीज़ पे कंट्रोल है ना बस उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो, जिन चीज़ पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है वो चीज़ों पर फोकस मत करो मेरे भाई। एग्जाम आपका हो चुका है ना, एक समय था जब आपके कंट्रोल में था कि आप पढ़ाई कर लें उस एग्जाम पेपर के, ठीक है, ताकि अच्छे मार्क्स आए, आप फेल ना हो। लेकिन गाइस अब वो समय जा चुका है, एग्जाम भी हो चुका, पढ़ने का समय भी जा चुका है, अब उस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्या रिजल्ट आएगा कोई कंट्रोल नहीं है। बट आगे जो एग्जाम आने वाला है उसके बारे में हम पढ़ाई कर लें अच्छे से, तो वो चीज़ आपके कंट्रोल में है, क्या रिजल्ट आएगा उसको भूल जाओ, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है। और एक बात, जिंदगी में कितना भी मुश्किल समय आ जाए, फेल हो जाओ, सक्सेसफुल ना हो, कुछ भी हो, ठीक है, रुकना नहीं है कभी भी। एक एग्जाम खराब गया, रो रहे हैं बैठे, हाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, किस बात की, किस बात की? एग्जाम खराब गया, हाँ अरे एक एग्जाम खराब गया तो क्या दूसरा भी खराब करोगे एग्जाम? दूसरा भी खराब करोगे? ये बात मैं आते ही नहीं बोल रहा, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, हजारों एड्स लगाता हूँ, और एक प्लान मेरा फेल होता ना तो दूसरा हमेशा रेडी होता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रेडी रहते हैं, ठीक है, किसी भी एक प्लान पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होता। तुम्हारा एक एग्जाम खराब गया ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट लगेगी तो दोबारा एग्जाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेंशन किस बात की लेना, क्या टेंशन लेने से तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे? हाँ नहीं ना, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? हमेशा प्लान ए रेडी रखो, प्लान बी रेडी रखो, प्लान सी रेडी रखो, प्लान डी रेडी रखो। प्लान ए फेल होता है, प्लान बी तैयार है, ठीक है, एक गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी दूसरी तैयार है, दूसरी जाएगी तीसरी तैयार है। मजाक कर रहा हूँ बट होना चाहिए, क्योंकि मैं मार्केटर हूँ तो आई नो वेरी वेल। एक कैंपेन फेल होता है हम दूसरा बनाएंगे, दूसरा फेल होता है तीसरा बनाएंगे, बट हमें जो चाहिए ना वो हम लेके रहते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ लगाएंगे, लेकिन वो चीज़ हम लेके रहेंगे, चाहे गर्लफ्रेंड की बात हो, चाहे भाई साहब बिजनेस में ग्रोथ की बात हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहिए मतलब चाहिए। एक प्लान फेल होता है हम रुकेंगे नहीं, दूसरा बनाएंगे, दूसरी बार फेल होंगे भाई, हजारों बार फेल होंगे ना तब भी हम लगे रहते हैं, हार मत मानो भाई। आपका दूसरा जो एग्जाम है उसके बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, जो बीत चुका है उस पर फोकस मत करो, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। आपसे मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उस पर पढ़ाई करो, जो बीत चुका है उस पर फोकस मत करो, ठीक है, और थोड़ा सा विश्वास रखो यार, ऐसे फेल नहीं होगे, हो सकता पास हो जाओ, ऐसे मत बोलो कंपार्टमेंट लगेगी लगेगी मेरी, है ना, ऊपर वाला भी देख रहा होगा, ऊपर वाला कहेगा अच्छा इस बच्चे को तो पूरा कॉन्फिडेंस है, इसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, इसको इतना भरोसा है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, चलो इसको फेल ही करा देते हैं। नहीं यार, बी पॉजिटिव, फेल होंगे तो हम दोबारा एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लान भी रेडी है, और अगर पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव नहीं होंगे हम, टेंशन नहीं लेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, जो हम कर सकते वो करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है तो हम करेंगे, लेकिन जो एग्जाम खराब चला गया अब उसके बारे में उसको सही करना अभी हमारे हाथ में नहीं है, उसको जाने दो, जिस चीज़ पे कंट्रोल है वो चीज़ करो, ठीक है। सो ऐसी यदि आज की वीडियो आई हो, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ। एंड गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।